दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा वोल्वो गाड़ी के बारे में। आपको गाड़ी चलाने से पहले आपको क्या चेक करना है, और उसके बाद अगर आप कहीं ट्रायल में गए हैं तो आपको आपसे ट्रेनर आपसे क्या क्या पूछेगा। तो चलिए मैं आपको पहले गाड़ी के डेली चेकअप के बारे में बता देता हूँ, आइए देखता हूँ। तो गाइस, सबसे पहले आपको नीचे से गाड़ी का चैम्बर देख लेना है कि कहीं बोल्डर वगैरह लगा हुआ नहीं है, और टायरेट चेक कर लेना है कि टायरेट कहीं बेंड वगैरह नहीं है। उसके बाद आप देख सकते हैं, आपको हेडलाइट देखना है। हेडलाइट देखने के बाद आप अपना मेन ग्लास चेक कर लीजिए, आगे का मिरर चेक कर लीजिए, और वाइपर देख लीजिए। यहाँ से हेडलाइट देख सकते हैं, और उसके बाद आप इधर आएंगे तो आपको यहाँ से सबसे पहले पट्टा चेक करना है। पट्टा देखने के बाद आप देख सकते हैं इंजन से किसी तरह का ऑयल लीकेज अगर है तो आप देख सकते हैं, नहीं है तो आपको ये भी ऑयल लीकेज भी देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप टायर चेक करेंगे, टायर का नट देखेंगे, ये भी ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें डीजल टैंक लेफ्ट साइड में है जो कि 290 लीटर का होता है, और यहाँ से भी आप टायर चेक कर सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ से पट्टा आपको देखना ज़रूरी है, जितना टायर है उसके पीछे आप देखेंगे पट्टा लगा होगा। यहाँ से डीजल फिल्टर लगा हुआ है, डीजल फिल्टर देख सकते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे बैटरी कवर भी है, बैटरी कवर यहाँ पे ये है। और उसके बाद आप देखेंगे एयर प्रेशर का 3 टंकी है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एयर प्रेशर के APM लगा हुआ होता है, जो भी एयर प्रेशर जो बनता है उसका APM यहाँ पे लगा होता है। तो आपको फिर आप पीछे आ जाना है, उसके बाद यहाँ से आपको पट्टा चेक कर लेना है, और टायर में देख लेना है किसी तरह का कोई बोल्डर वगैरह नहीं फंसा है, और उसके बाद आपको नट देख लेना है। आइए उसके बाद पीछे देखते हैं। पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे रिवर्स लाइट आपको देखना है, उसके बाद यहाँ पे नीचे से आपको देख लेना है कि कहीं हेलो स्प्रिंग वगैरह टूटा हुआ नहीं ना है, तो हेलो स्प्रिंग देख लेना है। और इधर से भी फिर से टायर चेक करना है, और यहाँ से पट्टा इसको भी देखना है क्योंकि पट्टा देखना बहुत ज़रूरी है। और ये भी टायर देख लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये DPF फिल्टर लगा होता है, ये वोल्वो 460 गाड़ी है और यहाँ पे DPF फिल्टर है। यहाँ से फिर आपको टायर चेक करना है, नट देखना है, और यहाँ से फिर पट्टा चेक करना है, क्योंकि अगर आप गाड़ी निकालते समय अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो ये आपके ऊपर ब्लेम आएगा पट्टा टूटने का। और उसके बाद आप देख सकते हैं ये साइलेंसर है, ये हीट बॉडी था तो यहाँ से ये कनेक्शन इसको हटा दिया गया है और यहाँ पे डाला है। ये एड ब्लू का टैंक है जो कि 57 लीटर का है। और उसके बाद आप राइट साइड से आ जाइए यहाँ पे, तो यहाँ पे पट्टा, इधर भी पट्टा देखना है, ऑयल लीकेज चेक करना है, और उसके बाद यहाँ से नट चेक करके आपको राइट साइड से गेट खोलना है। गेट खोलने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ से सीट एडजस्ट होता है, ये जंपिंग वाला है, ये सीट ऊपर नीचे करने का है आगे का पोजीशन, और ये जो है ये सीट ऊपर नीचे करने का स्विच है, और यहाँ पे दिया हुआ है ये आगे पीछे करने का जो बैग जिस पे लगता है वो इसको आगे पीछे करने के लिए वाला दिया हुआ है। यहाँ पे फायर सिलेंडर है, यहाँ पे एक्सीलेटर ब्रेक है, और सीट स्टेयरिंग एडजस्ट करने के लिए ये यहाँ पर लीवर दिया हुआ है। आप देख सकते हैं ये लीवर है स्टेयरिंग एडजस्ट करने के लिए। और बाकी चलिए मैं आपको दिखाता हूँ और ऊपर। ओके गाइस, अब हम लोग आ गए हैं गाड़ी के केबिन में। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कूलेंट टेम्परेचर का मीटर है, ये फ्यूल मीटर है जो कि डीजल मीटर है, ये स्पीड मीटर हो गया, ये RPM मीटर हो गया, और इसे कहते हैं सेंटर डिस्प्ले जो कि जो भी गाड़ी गियर में चलता है तो यहाँ पर वो मैंने यहाँ पे शो करता है कि आपका गाड़ी कितने नंबर पे जा रहा है। और ई है ई का मतलब होता है इकोनॉमिक, इसके बारे में वीडियो मेरा बना हुआ है, और नहीं तो अगर आप बोलेंगे तो इसके विषय में भी मैं बता दूंगा। आप यहाँ से हो गया, यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं, यहाँ पे 2 एयर प्रेशर का मीटर है, और यहाँ पे 1 टर्बो प्रेशर का मीटर रहता है, और 1 इंजन ऑयल टेम्परेचर का मीटर रहता है, तो टोटल 9 मीटर होता है। यहाँ पे 8 ब्लू का मीटर होता है, लेकिन यहाँ पे 8 ब्लू का कनेक्शन यहाँ से हटा दिया है तो इसलिए इसमें मीटर शो नहीं कर रहा है एड ब्लू का। इसमें टोटल 9 मीटर होता है, इसमें 1 एड ब्लू लेकर 2-3 इसमें और 2 इसका, 5 और में 1 टर्बो प्रेशर का होता है,
और यहाँ ऑयल टेम्परेचर मीटर का, और उसके बाद यहाँ पे दो एयर प्रेशर का, चार इसमें होता है, तीन इसमें, सात और दो, नौ मीटर टोटल डिस्प्ले में होता है। और उसके बाद अगर आप ट्रायल में जा रहे हैं तो ये सब पूछेगा मीटर के बारे में, आपको बेसिक नॉलेज है कि नहीं। और उसके बाद ये स्विच आ जाएगा, तो यहाँ पे रीजनरेशन का ये स्विच है, ये हिल स्टार्ट हो गया, ये TCS हो गया, ये डिफरेंशियल लॉक हो गया, ये दो भाग में काम करता है, एक इंटर एक्सल, एक डिफरेंशियल लॉक। अभी इंटर एक्सल में है, इसे दबा के और नीचे करेंगे तो ये डिफरेंशियल लॉक लग जाएगा। तो इसे जब भी लगाना है ब्रेक दबा के लगाना है, जब भी छुड़ाना है ब्रेक दबा के, यानी गाड़ी खड़ा करके, ऐसे नहीं है कि इसको चलते चलते इसको यूज नहीं करना है। और ट्रेनर लोग क्या करते हैं कि इसको ऑन कर देते हैं, जब ट्रायल में आप जाओगे तो इसे ऑन कर देगा। तो इसे याद रखना, इस सबको ऑफ कर देना है, यहाँ पे कोई जलना नहीं चाहिए, इसको भी आप ऑफ कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये PTO का स्विच है और ये हैजर्ड लाइट स्विच है। इससे एक फंक्शन और काम करता है जिसको बोलते हैं हाइपरानेट, तो उसे बहुत इमरजेंसी में किया जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं उसके बारे में वीडियो बना दूंगा, आप मुझे कमेंट करना। और अब गाइस अब मैं बताऊंगा आपको, ये हो गया अपना इंजन कंट्रोलिंग हो गया, जो कि ये तीन भाग में काम करता है। यहाँ पे देखिए ऐसे पांच है, ऑटोमेटिक में रखेंगे तो ऑटोमेटिक में काम करेगा, जीरो पर रखेंगे तो ये काम नहीं करेगा। और ये कभी भी काम करता है ऑटोमेटिक में, जब आप गाड़ी चलाएंगे तभी ये काम करेगा, मैनुअल में भी करेगा लेकिन गियर डाउन नहीं होगा। ऑटोमेटिक गाड़ी चलाएंगे तो इसको लगाने से, अगर रोड पे आपको बारिश हुआ है और उसमें अगर आपको ब्रेक लेने से गाड़ी स्लिप कर सकता है, तो आप इसे लगाइए, गाड़ी कंट्रोल हो जाएगा इससे। इसे इंजन कंट्रोलिंग बोलते हैं, और नहीं तो EPG भी बोलते हैं। उसके बाद आपका ये हो गया वाइपर, यहाँ पे आप उठाएंगे तो ये वाइपर चलने लगेगा, और उसके बाद यहाँ पे आगे पीछे करने से ये चलने लगता है वाइपर। उसके बाद ये आप, ये रिवर्स लाइट का स्विच है और ये डाला का स्विच है। यहाँ से अगर गाड़ी आप रिवर्स कर रहे हैं तो ऊपर दबाएंगे तो ऑटोमेटिक जलेगा, इसको नीचे से दबाएंगे तो ये आपका डायरेक्ट जलेगा। और ये हो गया डाला का लाइट, अगर आप डाला उठा रहे हैं तो इसको दबा के आप ऑन कर लीजिए। और हेड लाइट का स्विच ये वाला है, यहाँ से आप घुमाएंगे तो ये हेड लाइट का स्विच है, अभी से ऐसे लाइट करने पे जलेगा। और उसके बाद हम लोग आते हैं गियर के ऊपर। गाइस आप देख सकते हैं ये गियर सेलेक्टर बॉक्स है, और इसी से यहाँ पे देखिए आप, रिवर्स लगेगा, न्यूट्रल होगा, ऑटोमेटिक लगेगा, मैनुअल लगेगा। आप कभी भी गाड़ी चलाएंगे तो गाड़ी लोड हो या खाली हो, आपको यहाँ से एक नीचे लॉक दिया हुआ है इसका, गियर सेलेक्टर के नीचे में, देखिए ये वाला, तो इसे कभी भी आपको दबा के ही इसको ऑटोमेटिक और मैनुअल करना है। तो आप कभी भी गाड़ी अगर आप ट्रायल में गए हैं तो इसे एक नंबर यहाँ पे कर लेना, देखिए एक नंबर लग गया है मैनुअल में, और ई है, समझ गया ना, देखिए ई और पी ये वाला है। यहाँ से अगर ई और अगर पी कर देता है ट्रायल में अगर ट्रेनर लोग, तो इसको चेक कर लेना है आपको, यहाँ पे ई कर लेना है, नहीं तो यहाँ पे पी रहेगा तो वो ट्रायल में छाड़ देगा। तो इसको कभी भी यहाँ पे ऐसे करके दबाएंगे तो देखेंगे आप, यहाँ पे पी आ गया, फिर एक बार दबाएंगे पी प्लस आ गया, यहाँ पे फिर एक बार दबाएंगे ई आ जाएगा, तो ई करके गाड़ी चलाना है। और यही आपका ऑटोमेटिक है, और ऑटोमेटिक में अगर जितना भी गियर लग जाएगा तो आपको गियर कम नहीं करना है, ऑटोमेटिक में गाड़ी लोड हो या खाली हो आपको उसी समय उसी गियर पे आपको गाड़ी उठाना है। इसको न्यूट्रल कर देता हूँ मैं, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये AC का है, ये दोनों बंद करेंगे, ये AC बंद हो जाएगा, AC चालू करना, इसको दबाइए और ऐसे चालू कीजिए, AC चालू हो गया। और उसके बाद डाला उठाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये PTO ऑन, स्पार्किंग ब्रेक पहले लगाना है, उसके बाद ये PTO ऑन करना है, ये ऑन हो गया, और उसके बाद यहाँ से आपको डाला ऐसे करके ये उठा देना है ऊपर, ये डाला उठ जाएगा, उसके बाद आपका माल खाली हो जाएगा, इसको ऑफ कर देना है, और उसके बाद इसको ऑफ करने के बाद इसको डाला डाउन कर लेना है, और पार्किंग छोड़ा के फिर आपको ऑटोमेटिक में गियर लगाना है, और उसके बाद आप पार्किंग ब्रेक छोड़ा कर गाड़ी आप आराम से चला सकते हैं। सिर्फ गाइस एक बात और ध्यान देने वाला है कि जब भी आप वोल्वो गाड़ी के ट्रायल में जाएंगे तो आपसे ट्रेनर पहले क्या पूछेगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपसे आपका नाम पूछेगा, उसके बाद आपसे पूछेगा कि इससे पहले आपने किस कंपनी में काम किया है, और उसके बाद आपसे पूछेगा आपने कौन से मॉडल का वोल्वो चलाया है और कितने साल वोल्वो चलाया है, वो आपको बताना होगा। उसके बाद आपसे मीटर के बारे में पूछेंगे कि ये सब मीटर के बारे में आप बताइए कि ये किस किस काम का क्या है, तो आपसे मीटर पूछेगा। उसके बाद आपसे
डिशबोर्ड के बारे में पूछेगा, जो भी डिशबोर्ड में स्विच वगैरह है, जैसे रीजनरेशन हो गया, उसके बाद हिंग स्टार्ट हो गया, टीसीएस हो गया, डिफरेंशियल लॉक कैसे काम करता है, कब काम करता है, कब इसे यूज करना है, कब नहीं करना है, हैजर्ड लाइट स्विच हो गया, और पीटीओ हो गया, पार्किंग ब्रेक हो गया, ये सब आपसे पूछेगा। उसके बाद आपसे गियर के बारे में पूछेगा कि आप गियर बॉक्स के बारे में बताइए, गियर बॉक्स क्या मॉडल क्या है, उसके बाद ऑटोमेटिक में कितना गियर है, मैनुअल में कितना है, और उसके बाद आपसे पूछेगा कि ऑटोमेटिक में कितना फंक्शन काम करता है, मैनुअल में कितना फंक्शन काम करता है। ये सब आपसे पूछने के बाद आपको गाड़ी चलाने के लिए बोलेगा, तो आप डेफिनेटली आप आराम से चलाइएगा। सबसे पहले आपको मैं एक बात बता दूं कि आप जब भी लोड गाड़ी हो या खाली गाड़ी हो, अगर आप ट्रायल में जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप गाड़ी पे बैठेंगे, सीट एडजस्ट करेंगे, सीट बेल्ट लगाएंगे, स्टेयरिंग एडजस्ट करेंगे, और उसके बाद जब अगर आप गाड़ी बढ़ाएंगे तो मैनुअल में आपको एक नंबर ही लगा के गाड़ी उठाना है। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और किसी भी चीज के बारे में छूट गया होगा तो आप मुझे कमेंट करना, मैं उसके बारे में आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। जय हिंद।